कनाडा के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत ने अब कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं पर अनिश्चित काल तक रोक लगा दी है। हालांकि मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों का संचालन करने वाले BLS इंटरनेशनल की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। उसके आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी अंकित की गई है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना। ऑपरेशनल कारणों से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक बंद रहेंगी। एक भारतीय राजदूत की ओर से भी इस बात पुष्टि की बात सामने आई है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की थी एडवाइजरी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से लगातार भारत और कनाडा के में तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत ने अपने कनाडा में रह रहे लोगों के लिए सावधानी और चेतावनी जारी की थी, जिसमें लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन कनाडा सरकार की ओर से अब भारत की इस चेतावनी को खारिज कर दिया गया है। बुधवार को भारत ने अपने नागरिकों से कनाडा के कुछ हिस्सों का दौरा करने से बचने की सलाह दी थी। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक का बयान सामने आया है। कनाडा ने खुद को बताया सुरक्षित देश, जिसमें उन्होंने कहा कनाडा एक सुरक्षित देश है। यह बयान भारत की चेतावनी के कुछ देर बाद आया है। भारत की ओर से कनाडा में रह रहे अपने लोगों के लिए सलाह दी गई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही कनाडा का रिएक्शन आ गया। कनाडा में लगातार बढ़ रही भारत विरोधी एक्टिविटीज और घृणा अपराधों को देखते हुए भारतीयों को खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।